हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर संघ ने कहा है कि रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के डॉक्टरों के आंदोलन का संघ पूरी तरह से समर्थन करता है। संघ ने इस बात पर अफसोस जताते हुए कहा कि फरवरी से डॉक्टर लगातार काले बिल्ले लगाकर रोष प्रकट कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने कोई भी वार्ता एसोसिएशन के साथ नहीं की है। हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर संघ के महासचिव डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने बताया कि आरडीए हमारा अभिन्न अंग है और संघ की यह मांग है कि पीजी के लिए कोई बैंक गारंटी नहीं होनी चाहिए, ताकि गरीब परिवार के बच्चे भी विशेषता हासिल कर सके। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है कि जब सरकार डॉक्टरों को नियमित रख ही नहीं रही है, तो किस बात की बैंक गारंटी की शर्त प्रदेश सरकार द्वारा रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर 10 से 12 साल पढ़ाई करके विशेषता हासिल करता है और एक स्वतंत्र देश का स्वतंत्र नागरिक है। उन्हें भी अपने और अपने परिवार के उज्जवल भविष्य के बारे में सोचने का पूरा हक है। उन्होंने कहा कि संघ प्रदेश सरकार से डॉक्टरों को रेगुलर नियुक्ति और रेगुलर भत्ते देने की मांग करता है। अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है, तो मजबूरन संघ को आंदोलन का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। हिमाचल प्रदेश मेडिकल अफसर संघ जो है वो आरडीए के इस आंदोलन में आरडीए के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है, और हमारा सरकार से ये अनुरोध है कि जल्द से जल्द आरडीए को जो है वार्ता के लिए बुलाया जाए, क्योंकि डॉक्टर्स बड़े शांतिप्रिय तरीके से पिछले इतने दिनों से काले बिल्ले लगा के पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं। तो हमारी सरकार से गुजारिश रहेगी कि आरडीए के प्रतिनिधियों को वार्ता के लिए बुलाया जाए, क्योंकि अगर इसी तरह का संवेदनहीन रवैया सरकार का रहा तो हो सकता है कि ये जो संघर्ष है वो थोड़ा और तेज हो जाए, क्योंकि आरडीए संघ का एक अभिन्न अंग है और हम उनके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। और ये बैंक गारंटी और पीजी पॉलिसी जो है वो नेचुरली संघ के सदस्यों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो हम चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द इस मुद्दे को सुलझाए और हमारे जो पीजी डॉक्टर्स हैं उनका वेतन जल्द से जल्द रिलीज हो, ताकि वो अपना काम जो है वो एकाग्रता से कर सकें, क्योंकि इस समय प्रदेश में स्वाइन फ्लू का कहर जारी है। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस मुद्दे को सुलझा के जो है जनता को एक राहत दी जाए। दूसरी सबसे बड़ी प्रश्न जो है संघ का वो ये है कि जब सरकार हमारे डॉक्टरों को नियमित नियुक्ति दे ही नहीं रही है, तो फिर किस बात की बैंक गारंटी और किस बात का बॉन्ड। पहले सरकार ये निश्चित करे कि हमारे डॉक्टरों को रेगुलर इस पे रखा जाए और हमारे विशेषज्ञों को एक इंसेंटिव जो है वो अच्छा मानदेय उनको दिया जाए, ताकि वो हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी करने के लिए आकर्षित हों।